इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह अम्बेडकर की परंपरा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। भगत सिंह अम्बेडकर की परंपरा अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का लोकतंत्र खतरे में, इसे बचाने की लड़ाई है। हम लोग आज देश के सारे जिला मुख्यालयों पर इस बात को आगाह कर रहे हैं, महात्मा गांधी की शहादत के बहाने। वो पुरुष दुनिया में सबसे ज्यादा माना गया, जो अहिंसा जिसकी बात की, ठीक है। हमारे आप सब विचार से सुंदर तीसरा विचार पनपता है। ये प्रकृति का नियम है, दो व्यक्तियों के मिलने से एक नई सृष्टि की संरचना होती है, प्रकृति का नियम है। अगर दो विरोधी विचारधारा है तो उसी से एक सुंदर विचार पैदा होगा। और आप समाप्त कर देने को तुले अगर गांधी को समाप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मनमाना करना चाहते हैं कि आपके ऊपर आपका अड़ावे, इसलिए आप चीजों को समाप्त कर। देखिए, आज एक भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण तारीख है 30 जनवरी, जिसमें महात्मा गांधी को आज ही के दिन कुछ दंगाई बवालियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था, और उनके शरीर की हत्या कर दिया था उस समय 1948 में। लेकिन आज भी वो उनके विचार की हत्या करने पर लगे हुए हैं, और वो लगातार उनके शरीर की हत्या करने के बाद अगर वो नहीं जीत पाए, अभी वो उनको कुछ नहीं समाप्त कर पाए, तो उनके विचारों पे हत्या पे लगातार कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि 22 जनवरी को जिस तरह देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में, जिस तरह सांप्रदायिक रूप से पूरे ऐसे कार्यक्रम को सरकार ने आयोजित किया है, यह किसी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए ठीक बात नहीं थी। उसी बात को लेकर हम लोग पूरे देश भर में आज देश के सारे जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति को एक मांग पत्र हम लोग भेज रहे हैं कि देश एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कोई भी सरकारी आयोजन, किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी या किसी भी राजनेता को किसी भी सरकारी आयोजन में नहीं आना चाहिए। ये संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन करने की कार्रवाई है, उसको हम लोग आज विरोध कर रहे हैं, और ये राष्ट्रपति को ये बात लिख कर भेज रहे हैं।